हे माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्योंकि ये टाइम जो है ना वो शाम का है, तो अभी ये रंगोली जो है वो शाम के लिए निकल रही है। मॉर्निंग में मैंने दूसरी वाली रंगोली निकाली थी और आज लक्ष्मी पूजन है, बड़ी दीपावली। तो व्लॉग जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो मेरा एक मॉर्निंग का जो मैंने मॉर्निंग में मेरी जो भी मेरी रूटीन वगैरह थी, जो भी मैंने ये करा आज, वो मैंने शूट करा था और वही आप लोगों के साथ शेयर करा। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है, एक ही दिन के दो वीडियो है, पर अगर हम एक वीडियो में सारा कुछ डाल देते हैं ना तो वो वीडियो भी समझ में नहीं आता, ज़्यादा मतलब फास्ट फॉरवर्ड में हो जाता है। और जो वीडियो है ना वो उसकी जो लेंथ है वो अलग से इतनी बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो रहने दो, दो पार्ट में कर लेंगे। तो ये देखिए, ये है फाइनल लुक। हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो मैंने अच्छे से ये जो हमारी रंगोली है वो ड्रॉ कर ली है, निकाल ली है। रंगोली कैसी थी ज़रूर से कमेंट में बताना, ओके। और उसके बाद मैं आ गई थी घर में, तो आप देख सकते हो बाहर कितना ज़्यादा उजाला है ना, क्योंकि अभी 4:30 या 5:45 ही बजे होंगे। तभी मैं पूजा की मेरी जो माननी है ना उसको बैठ गई थी, क्योंकि आज का जो मुहूर्त है वो है 7 बजे का, तो 7 बजे से पहले मेरा हो जाना चाहिए। और मेरी जो पूजा की माननी है ना वो बहुत बड़ी होती है, मेरी पूजा की जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। तो मैंने क्या करा था, सारी चीज़ें मैं पास में लेके बैठ गई थी ताकि मुझे दिक्कत ना हो। फिर भी मुझे कुछ ना कुछ लग ही रहा था, तो मैं खुशी को आवाज़ दे देती थी, खुशी ये लाओ, खुशी वो लाओ। तो मेरी बेटी ना अच्छा काम कर लेती है, मेरे पास अच्छे से हेल्प कर देती है, तो उतना मुझे ये हो जाता है, मतलब हेल्प हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने उससे बोला था कि लक्ष्मी जी का फ़ोटो लाओ, तो उसने ये वाला कैलेंडर जो होता है ना वो लेके आ गई थी। तो मैंने उसे बोला कि ये नहीं, दूसरा हम जो मतलब हर साल रखते हैं ना वो वाला लेके आ जाओ। तो हर साल में मेरा जो लक्ष्मी का फ़ोटो है उसमें कुबेर है और गणपति बापा वगैरह सभी जो देवी देवताएँ हैं ना, ये देखिए, तो हनुमान है, राम है, तो यही वाला जो फ़ोटो है ना मैं हर वक्त रखती हूँ। वैसे ये जो कैलेंडर का फ़ोटो है उसमें भी लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, गणपति जी है, पर मैं यही वाला रखती हूँ, तो वो वाला रखा मैंने। और ये देखिए, यहाँ पर नारियल को मैं ना स्वास्तिक निकाल रही थी। तो हमारे यहाँ पर ना जो लक्ष्मी पूजन की पूजा होती है वो अलग अलग घरों में अलग अलग काइंड ऑफ की करते हैं, पर मेरे घर में मैं जिस काइंड ऑफ से करती हूँ वो मेरे तरीके से करती हूँ। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ना मेरी मम्मी ने, ना मेरे सास ने, तो मुझे जैसा मतलब मेरे समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि नहीं भाई इसे इस जगह पर रखना चाहिए, इसे उस जगह पर, तो उसी काइंड ऑफ से मैं कर लेती हूँ। और हमारी पूजा में ना बहुत सारी सामग्री होती है, बहुत ही ज़्यादा, और बाकी के जो सामग्री है ना उनके मुझे नाम भी इतने ज़्यादा नहीं पता होते हैं। तो ये देखिए, बतासे बोलते हैं ना, तो वो है, और मखाने, 7 तरह के अलग अलग जो धान होते हैं, और वो धान ना अखंड होने चाहिए, मीन्स कि दाल वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसमें धान में लिया था, क्या क्या लिया था मैंने, मैं आपको बता दूँ, वॉइस ओवर में बात नहीं कर रही थी ना, तो इस वजह से भूल जाते हैं। तो जो दादर होती है ना, दादर क्या बोलते हैं उसे यार, ज्वारी, तो ज्वारी, और फिर मठ होते हैं, और जो हम अरहर की दाल बोलते हैं वो अखंड होते हैं वो, फिर चने होते हैं अखंड, और ऐसे मतलब 7 प्रकार के धान्य थे। तो बस, और उसके बाद थोड़ी सी वाइट कलर की मिठाई भी लगती है पूजा के लिए, तो वाइट कलर की मिठाई लाए हैं। और हम पूजा करने के मतलब लक्ष्मी पूजन के तुरंत दूसरे दिन मॉर्निंग में हम चले जाते हैं गांव, मेरे पियर इस वजह से ज़्यादा मिठाई वगैरह नहीं लाते हैं, और चींटियाँ इन दिनों बहुत ज़्यादा कहर मचा रही है। और हमारे घर में जो कुछ फराल वगैरह बनता है ना, मतलब कि जो शंकर पाड़े, चकली, चूड़ा वगैरह तो बनता ही होगा सभी के घर में, ऑब्वियसली बनता है, तो बस वो वाला ना नैवेद्य के रूप में हम लक्ष्मी जी के पास रख देते हैं। और मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर दे रहे थे, हमने माला वगैरह सभी लगा दिए थे, पर ये जो मंदिर का माला है ना वो लगाना बाकी था, बस हमने तोरण वगैरह लगा दिए थे। और खुशी ने मेरी हेल्प कर दी आज, बहुत मस्त वाली रंगोली उसने डाल दी है। और यहाँ पर ना वो अभी लक्ष्मी माता के जो पाउल बोलते हैं हम, जो छापे होते हैं ना पाँव के,
तो वो लगा रही थी, रंगोली से ही बना रही थी, वाइट कलर में जो सिक्का आता है ना उसी से बना रही थी वो। तो देखिए ये पूरी जो रंगोली है ना खुशी ने निकाली है, सिर्फ मैंने ना डॉट डॉट डाल के दिए थे, उसने फूल फ्लावर वगैरह सब कुछ उसने निकाला है। तो ये देखिए धने रखे है, फिर वो जो ये आती है ना धनिया क्या बोलते हैं उसे, तो वो रखा है यार, मुझे बाकी के नाम भी नहीं याद। तो बस ये देखिए ये कुछ इस काइंड ऑफ से हमारी पूजा है। और खुशी ने अपना पर्स रख दिया है ये देखिए, और बता रही थी कि मैंने मम्मा मैंने अपना पर्स रख दिया है, और मेरे बेटे राज का भी छोटू सा पर्स देख रहे हो आप, वो उसने भी रख दिया है। तो बस पूजा मारने वगैरह हो गई, और ये लाइटिंग मैंने बोला था कि झाड़ पर डाल दो अच्छी लगेगी, पर इन्होंने ना ऐसे ही डाल दी, बस लटका दी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो मैं अपने हाथ से फिर उसे दोबारा से अच्छे करने में लग गई थी। और यहाँ पर खुशी देखी, मोबाइल खुशी के हाथ में होता है ना तो बस अपने पिक्स निकालने में, अपनी शूटिंग निकालने में लग जाती है। तो यहाँ पर अभी हमारी पूजा वगैरह चालू हो जाएगी, तो ये स्टार्टिंग से आप लोगों को खुशी दिखा रही है कि कैसे पूजा की माननी की गई है। तो एक पटले पे हमारे यहाँ पर जो झाड़ू होता है ना, झाड़ू मेन होता है, लक्ष्मी का प्रतीक मतलब झाड़ू और नमक, ये दो चीज़ें कुछ हो ना हो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें ना मतलब जल्दबाजी में हमें याद ही नहीं रहा था, पूजा के बाद फिर हमें याद आया, तो उसके बाद हमने ला के रखा था, और उसकी दोबारा से हमने पूजा वगैरह भी करी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं पूजा वगैरह कर रही थी, और तीन पटले होते हैं, तीनों के तीनों जो है ना पूरे भरे हुए होते हैं, मतलब सब चीज़ों से भरे हुए होते हैं। मीठा पान भी लगता है देवी को, और जो कमल का फूल होता है वो भी लगता है। तो यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह हो गई, फ्लावर जो हमने फूल वगैरह लाए थे वो अर्पण कर दिए, तिलक वगैरह लगा दिया। फिर उसके बाद आती है बारी आरती की, तो आरती चल रही है यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर खुशी भी है, राज भी था, पर राज को नहीं अच्छा लग रहा था वीडियो में आना, तो वो दूर खड़ा था, तो मैंने उसे बोल दिया था कि थोड़ा सा पास में आके खड़ा हो जा। तो उनको मैं ना बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि न्यू ड्रेस पहन लो, पर बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं ना वो पटाखे फोड़ने के लिए, तो उनके मन में एक ये होता है कि जल्दी से पूजा वगैरह निपट जाए फिर फटाके फोड़ने जाएंगे बाहर, और न्यू कपड़े पहनेंगे तो फिर चेंज करना होगा, फटाके फोड़ने जाएंगे तो फिर चिंगारी विंगारी ना लग जाए, मम्मी पापा गुस्सा ना करें। उससे अच्छा है कि चलो जूने जो कपड़े हैं, जो डेली वेयर के कपड़े हैं, उन्हीं में पूजा कर ली जाए। तो ऐसा है उनका, तो मैंने ब्लू कलर की साड़ी वेयर कर ली थी, और वैसे मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी पहले, पर पूजा के टाइम तो थोड़ा सा मतलब न्यू कपड़े पहनने चाहिए ना, पर ये बच्चे कहाँ सुनते हैं आजकल के, आप सभी को तो पता ही होगा, पटाखे फोड़ने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं ना कि मतलब क्या ही बोले। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारी बेटी खुशी की पूजा चल रही है, तो ये देखिए कुछ इस काइंड ऑफ से पूरी पूजा मतलब दिए वगैरह लगा लिए हैं अभी, पहले हम आपको दिखाया तब दिए नहीं लगाए थे। और ये देखिए यहाँ पर टाटा नमक रखा है ना, तो ये पूरे साल हमें मतलब इसको पुराना होता है, पुराना मीन्स इसे एक साल तक चलाना होता है, इसमें अपना जो नमक है ना वो डाल के, और इसे ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, मतलब एक साल तक अभी आने वाली जो दिवाली है ना तो तब तक ये चलनी चाहिए। तो ऐसा है हमारा, तो बस यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह कर ली, और उसके बाद मैं आ गई थी गाड़ी की पूजा करने के लिए, हमारी जो बाइक है उसकी, क्योंकि ये भी हमारे घर की लक्ष्मी है, आज तक इसने हमने मतलब धोखा नहीं दिया है, आज तक हम अभी तक इस पर से गिरे नहीं, कुछ हुआ नहीं हमें। तो बस अभी लगा है खाना, तो ये देखिए खाने में है दाल चावल खीर पपड़ी भजिया कुरडई और चने की सब्जी, तो ये आज भोग में बना है, और भगवान जी को मतलब कि लक्ष्मी को भी भोग लगा दिया है तो वहाँ पर रखा है मैंने। तो ये देखिए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मेरी दिवाली सेलिब्रेशन ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।